गतवर्षीचे उच्चांक मोडीत काढीत एनटीपीसीने यंदा 5.5 हजार मिलियन युनिट्स विजेची निर्मिती केली आहे, अशी माहिती प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापक विजय गोयल यांनी दिली आहे. सोलापूर औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पाने चालू वर्षात गतवर्षातील ऊर्जा निर्मितीचे सारे उच्चांक मोडीत काढून 5.5 हजार मिलियन युनिट्स ऊर्जा निर्मिती करून नवा उच्चांक निर्माण केला असल्याचं प्रकल्पाचे मुख्य व्यवस्थापक विजय गोयल यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. तो ये इस चीज को दर्शाता है कि जो हम पावर प्लांट चलाते हैं वो हमारे कोल प्लांट हैं, हाइड्रो प्लांट हैं, सोलर प्लांट हैं, विंड प्लांट हैं, वो सब जो है अपनी जो मैक्सिमम क्षमता है उसको यूज़ करते हैं. उसी कड़ी में महाराष्ट्र में जो हमारा सोलापुर पावर प्लांट है उसमें 2 यूनिट हैं, जो हर एक यूनिट 660 मेगावाट की है, 1320 मेगावाट हम पावर जनरेट कर सकते हैं यहाँ से. और NTPC ने जो महाराष्ट्र को पावर एलोकेशन है उसमें 10% एलोकेशन NTPC का एज ए होल है, जो कि किसी भी और स्टेट से ज़्यादा है. तो NTPC ने हमेशा महाराष्ट्र को अपने नज़दीक पाया है और उसी के हिसाब से पावर एलोकेशन भी रहा है. हम सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में जितना भी हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है, जितना भी पावर जनरेशन है, उसका आधा 50% जो है वो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र को हम पावर देते हैं. सन 2020-21 मध्ये 3,586 मिलियन युनिट्स आणि सन 2021-22 मध्ये 5,081 मिलियन युनिट्सची ऊर्जा निर्मिती उत्पादन उद्दिष्टाच्या निर्धारित वेळेपूर्वी पूर्ण करून विक्रम केलाय. याचबरोबर सलग 126 दिवस सातत्यानं ऊर्जा निर्मिती करण्याचा विक्रमही या प्रकल्पानं केला असल्याचं मुख्य व्यवस्थापक गोयल यांनी सांगितलं. जो पॉवर का जनरेशन रहता है, जसं की आप सब लोग जानते हैं कि पॉवर का जो जनरेशन है और कंजम्पशन है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है. आप उसको लार्ज क्वांटिटी में कहीं स्टोर नहीं कर सकते. तो जितना पावर का कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट होता है, दिन में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर जनरेट की जाती है, रात में कम होगा तो उसी हिसाब से यूनिट चलाई जाती है. और हम जो है सोलापुर जो पावर प्लांट है वो केवल महाराष्ट्र को पावर ही नहीं दे रहा है, बाकी और स्टेट्स को भी दे रहा है. और इसी कड़ी में मैं कहूँ कि पावर जनरेशन के अलावा हम जितने भी हमारे आसपास के विलेजेस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे सैनिटेशन हो, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम है उनके थ्रू हम योगदान देते हैं. हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उनको केवल NTPC तक या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, वो आने वाले टाइम में देश के दुनिया के किसी भी जगह पे काम करने में सक्षम रहे, ये हमारा प्रयास है. ते NTPC च्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदे प्रसंगी बोलत होते. या प्रसंगी टी बंडोपाध्याय, विपुल कुमार मुखोपाध्याय, नंद किशोर, मनोरंजन सारंगी आदि उपस्थित होते. चालू मार्च अखेरीस 500 कोटी रुपये खर्चून उभे करण्यात आलेले फ्युएल गॅस डिस्पलरायझेशनचे 2 युनिट पैकी 1 युनिट कार्यान्वित होणार आहे. यामुळे कोळशाच्या ज्वलनातून निघणारे सल्फर आणि इतर वायू हवेत मिसळण्यापासून त्यांना या माध्यमातून रोखता येणार असल्याचं गोयल यांनी सांगितलं.